अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, एक अमेरिकी तैयारा सोमवार को मशरकी अफ़गानिस्तान के इलाके सुबह गजनी में गिरकर तबाह हो गया है। शुरू में ऐसा लगा कि ये एक हादसा है, लेकिन तालिबान के बयान के बाद सारी तस्वीर वाज़े हो गई है। तालिबान का कहना है कि US मिलिट्री एयरक्राफ्ट उन्होंने तबाह किया है, और आपको बता दें कि जिस जगह पर यह तैयारा गिराया गया है वो इलाका भी तालिबान के ज़ेर कंट्रोल है। जब यह हादसा पेश आया तो हमारे मीडिया समेत इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये खबर चलाई कि अफ़गानिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें 83 मुसाफिर सवार थे। जबकि ये नहीं बताया गया कि ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। ये बात तब खुली जब तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऑनलाइन पोस्ट करदा एक बयान में कहा कि अमेरिकन इन्वेडर एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया गया है, जिसमें बहुत से अमेरिकी ऑफिसर्स भी शामिल थे। तालिबान का कहना है कि इन ऑफिशल्स में CIA के बड़े अहदेदार भी शामिल हैं। US मिलिट्री और CIA ऑफिशल्स की डेड बॉडी उनके कब्ज़े में है। दोस्तों, इस बात में जान तब आई जब हरियाणा एयरलाइंस ने कहा कि हमारा कोई मुसाफिर तैयारा तबाह नहीं हुआ, और फोटेज में भी देखा जा सकता है कि तबाह होने वाला तैयारा US एयरफोर्स का है, जो कि बोबार्डियर E-11A सर्विलियंस तैयारा है, जिसे US एयरफोर्स ने वाईफाई इन द स्काई का नाम दे रखा था। ये एक रोवरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो बगैर किसी बुनियादी ढांचे के रिमोट एरियाज़ में मिशंस को सपोर्ट करता है। दोस्तों, जिस एरिया में ये तैयारा तबाह हुआ है उस एरिया के सहाफ़ी तारिक गजनीवाल का कहना है कि उसने जलता हुआ तैयारा खुद देखा है। तैयारे का सामने वाला हिस्सा बुरी तरह झुलस गया था। गजनीवाल का मजीद कहना था कि ये तैयारा US मिलिट्री बेस से 10 किलोमीटर दूर तबाह हुआ है, और इस जगह पर तालिबान का कब्ज़ा है, और जाए हादसा पर तालिबान तैनात कर दिए गए हैं, और कुछ तालिबान को शक हुआ है कि दो आदमी इस हादसे से बच गए हैं जिनका मुहासरा किया जा रहा है। दोस्तों, जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख कर लेता है, इसी तरह जब किसी सुपर पावर की मौत आती है तो वो अफ़ग़ानिस्तान का रुख कर लेता है। अफ़ग़ानिस्तान वाली दलदल से आज तक कोई नहीं बच पाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।